हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। जैसे कि ये मेरा क्लाइंट था और इसने मुझे बताया कि मतलब जहाँ इसने पहले कराई थी वहाँ उसने कहा कि आप ऑयलिंग भी कर सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो लेकिन 3 दिन के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपने बालों के बारे में बताना है कि आपके बाल ऑयलिंग हैं या ड्राई हैं, जो भी हैं, स्मूथिंग कराने से पहले, और आपने पहले कितने केमिकल यूज़ कराई या वर्जिन है, जो भी है आपको बताना है, ताकि वो उसके हिसाब से आपके बालों में हीट यूज़ कर सकें। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि आपको ऑयलिंग अगर करनी है तो आप 6 मंथ बाद यूज़ करो, और अगर फिर भी आपसे नहीं रुका जा रहा तो आप नहाने से आधा पौन घंटा पहले ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑयलिंग अगर आपको अवॉइड करनी है तो आप हेयर स्पा ले सकते हो, लॉरियल का, कोई से भी ब्रांड का, वो अच्छे से मसाज करो, भाप लो, उसकी वीडियो मैं आपको ले करूँगी, वो देख लेना। हेयर स्पा कई तरीके से कर सकते हो आप, हेयर मास्क की तरह ही अप्लाई करना है, बाहर जाके ज़रूरी नहीं, बाहर जाके इतने महंगा हेयर स्पा करो तो ही अच्छा होगा, कोई नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, आप अपना घर पे भी कर सकते हो। तो आपको अगर आप ये सब करोगे तो आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको देखने के लिए, और काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी स्मूथनिंग भी रुक जाती है। अगर आप ऑयलिंग करोगे तो आपकी स्मूथनिंग निकलती रहेगी। क्लाइंट ने मुझे बताया 2 महीने में ही इनकी स्मूथनिंग उतरने लगी थी। और शैम्पू कंडीशनर अच्छे से अप्लाई करना, लेंथ में लगाना, जिससे जो आपकी ड्राइनेस हो जाती है ना, बाल ड्राई हो जाते हैं, धूमी हो जाते हैं, वो उसे कवर कर लेता है। कोई सा डव का, लोरियल का, इतने सारे शैम्पूज़ हैं, जो आपका फेवरेट हो वो यूज़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।